हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने ये प्यारी सी मदर एंड किड्स वाली वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम पुरानी गुड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके से बनाकर आप अपनी मम्मा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। उन्हें आई एम श्योर बहुत ही प्यारा लगने वाला एंड प्रोसेस बहुत ईजी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने एक बड़ी गुड़िया ले ली है और एक छोटी गुड़िया ली हुई है। तो जैसे बड़े वाली को हमें मदर बनाना है तो उनकी बिंदी या नॉल, थोड़े थोड़े आईब्रोज, क्योंकि ये तो फॉरेनर गुड़िया है ना, हमें इंडियन डॉल बनानी है, तो उनकी यहाँ पर हम साड़ी बनाने वाले हैं। तो साड़ी के लिए पहले मेरे पास जो भी अवेलेबल कपड़ा था वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मैं यहाँ चिपकाने का काम कर रही हूँ, आप इसे सुई धागे से भी कर सकते हैं अगर आपको आता है, अदरवाइज़ कोई भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं और चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज़, देखिए बाजू को हम चिपका देंगे और दोनों लगाने के बाद कुछ इस तरीके से, एंड हेड को बेस जो पेंट करना ज़रूरी है ताकि जब हम विग जैसा बनाएं ना तो वो नीचे की स्किन विजिबल ना हो। एंड यहाँ पर अब बना रहे हैं हम विग, जो कि बहुत ही इजी है। एक पतली सी स्टिक ले ली है मैंने, पेंट ब्रश ले लिया है और लेनी है हमें ऊन। तो ऊन से बस इस तरीके से हम चिपका, मतलब उसमें नॉट्स बना देंगे और पूरा बंच रेडी कर देंगे। अब ग्लू लगाकर इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे और इसे टू पार्ट्स में कट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे भी हमें चाहिए उस तरीके से। तो अब आती है बारी साड़ी की। तो मेरे पास ऑलरेडी इस तरीके से प्रिंटेड कपड़ा था, आपके पास नहीं है आप लेस वेस लगा कर भी थोड़ा फैंसी बना सकते हैं, वैसे तो नॉर्मल साड़ी भी आप बना सकते हैं। बस यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से प्लेट्स बनाकर ग्लू लगाकर सेट कर देंगे। आप इसे सुई धागे से भी या पिन करके भी इसी तरीके से टक कर सकते हैं। डॉल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, बहुत सारी मेकओवर्स, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। बहुत सारे आपको मदर्स डे के ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएंगे, जो हमने रिसेंटली हमारी लास्ट वीडियो है उसमें बहुत, जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में मॉम लिखा हुआ कार्ड देखा ना, वो हमने उसमें शेयर किया हुआ है। तो आप वो भी बना सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब आइडियाज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप इंजॉय कर पाएँ। तो साड़ी को हमने यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दिया है। अब आती है हमारे विग की, क्योंकि पेंट अच्छे से ड्राई हो चुका था। अब दोनों साइड हम इस तरीके से लगा देंगे। आप देखिए हमारे लंबे से बाल अच्छे तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना देते हैं, पीछे हमने एक क्लिप को लेकर बांध दिया है। और हमारी मदर्स की देखिए यहाँ पर साड़ी वाड़ी सब तैयार हो गया। अब छोटी सी ईयर रिंग्स, लाइक मेरे पास बिंदी थी मैं उनको चिपका रही हूँ यहाँ पर। और ये बना रहे हैं मंगलसूत्र, आप ब्लैक थ्रेड भी ले सकते हैं अगर आपके पास ऐसी चेन ना हो, और स्टोन्स लगाकर, मतलब बिंदी हो आप कुछ इस तरीके से लगाकर, हमारा जो है मंगलसूत्र बनकर तैयार हो गया। कितना क्यूट लग रहा है ना, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है। और बस आप सबको फुल लुक दिखाते हैं मदर कैसी लग रही। तो ये है हमारी इंडियन मॉम जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। अब बारी आती है उनकी बच्चों वाली। तो यहाँ पर हम बेटी दिखा रहे हैं, तो यहाँ बेबी डॉल ले ली है छोटी सी। और ये सारी डॉल्स आपको टॉय शॉप में आराम से मिल सकती है, कोई मेला वेला लगा हुआ वहाँ से ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है। या पुरानी गुड़िया है उसको मेक ओवर कर लीजिए। सेम वैसे ही हमने बाल लगा दिए हैं, तो छोटे रखे थे थोड़े। और मैचिंग ड्रेस हम बनाने वाले हैं, जैसे ही मॉम की है उसी कपड़े से हम बनाएंगे। आजकल वैसे भी ट्विनिंग का काफ़ी ट्रेंड है, तो यहाँ पर हम लहंगा टाइप बनाएंगे। और ये देखिए सारा हमने ग्लू लगाकर अच्छे से सेट कर दिया है, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है, मतलब सिल्क जैसा, तो आराम से सेट हो रहा है, नहीं तो आप आयन करके भी थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। तो बस इसे यहाँ पर लगा देंगे, चिपका देंगे पीछे तक, और पीछे भी पूरा इसे क्लोज कर देंगे। तो हमारी स्कर्ट तैयार हो गई है, ऊपर से हमने लेस लगाकर इसे अच्छे से नीट एंड क्लीन फिनिशिंग दे दी है। यहाँ पर भी थोड़ा लेस लगा दिया है। और अब यहाँ पर हम इयररिंग, मतलब छोटे छोटे मोती मैंने चिपका दिए हैं इयररिंग के लिए। तो ये देखिए हमारी क्यूट सी बेबी, मतलब डॉल तैयार हो चुकी है। अब बनाने वाले हैं बेबी डॉल, मतलब बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी काइंड ऑफ। तो इसको हम क्ले से बना रहे हैं, जो आजकल बड़े चल रहे हैं ना ये वाले क्ले, एयर ड्राई क्ले छोटे छोटे। तो बस यहाँ पर बॉल बना के कैप बना दी है। कैप को थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक लेने के लिए हम इसमें थोड़ी सी कटिंग, मतलब कट 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 लगा देंगे डिटेलिंग करने के लिए। अब बॉटम पार्ट जो है इस तरीके से चिपका देंगे, एक राउंड शेप में ले लेंगे क्ले को और इस तरीके से रैप कर देंगे। और देखिए हमारा बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बेबी वैसे ही है। तो यहाँ पर ये भी बन गए हैं। और बस आँखें थोड़ी मैं यहाँ पर पेंट से कर सकते हैं या फिर आप पेन से कर सकते हैं। बाय द वे आज की वीडियो में ये ज़रूर बताइएगा कि आप
की मॉम की स्पेशल डिश क्या है, मतलब उनको खाने में क्या पसंद है बिना पूछे, देखते हैं किस किस को पता है। और यहाँ पर देखिए हमने बेबी हाथ में रख दिया है और हमारी मदर के साथ बेबी आ गया है और यहाँ पर वो डॉटर भी आ गई है और ये लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना मदर्स डे। और आप अपना मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी मॉम के साथ ज़रूर बताएगा। और तो अगर आपने कोई भी क्राफ्ट ऐसा ट्यूटोरियल जो कि शिल्पा प्लेस से देखकर बनाया हो सीख कर, तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, हम उनकी पोस्ट को अपनी स्टोरी लाइन में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, चल दम टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स।